हे गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज है तारीख 7/15 सातवां महीना, और हम लोगों ने गाड़ी वहां पार्क कर दी है। हम लोग अभी उन्नाव जंक्शन पे हैं, और आज हम लोग कहीं बहुत ही अच्छे मंदिर जा रहे हैं। तो पापा वहां गए गाड़ी की पर्ची बनवाने, स्टेशन पे पार्क की है। और ये हमारी मम्मी हैं। कैसी लग रही मम्मी? बढ़िया लग रहे हैं। तो अब थोड़ी देर हम लोग निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। अभी आज हम लोग, मम्मी तो हमारी 3 बजे उठ गई थी, हम 4:50 उठ गए। हाँ, बूंदा नहीं चली इसलिए गाड़ी लेके आ गए, वरना घर के पास था, पैदल चले आते हम लोग। तो मैं उठा था, मम्मी तो यहाँ से कानपुर तक दर्शन करने पैदल जाती थी, नंगे पैर। उन्नाव जंक्शन, ये रहे हमारे प्यारे फैमिली मेंबर, और ये रहे हम। चलते हैं थोड़ी देर में, वो वहाँ खड़े होकर बाल समेट रही हैं। चलते हैं थोड़ी देर में, चलते हैं और आपको पहुँच जाते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोगों की ट्रेन है 5:15 पे 5:15 पे 5:40 पे। पापा सबको 5:15 था ताकि हम लोग करेक्ट टाइम पे आ जाएं। हमने झूठ बोला था, पापा ने झूठ बोला था। ये देख लिया, कम से कम एक दुकान है यहाँ पे चाय की। अगर देते बैठेंगे तो चाय भी मिल जाएगी। बतासी तरीका गाइस, ऐसे टांग लो। ये मम्मी, हम लोग एक मंदिर आ चुके हैं। वो रहे वो शिव जी, अरे हाँ वो जो बने हैं शिव जी, वो रहे। हाँ दिख रहे, दिख रहे। इसको डाल लूँ कहीं, बिछाएंगे, चल के बैठेंगे, दर्शन कर लो फिर बैठना। तो हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली मंदिर, और प्रसाद वगैरह भी सारी चीज़ें ले ली है। ये मंदिर हमारे यहाँ से करीब 70-80 किलोमीटर दूर है, हरदोई के पास पड़ता है, बांगरमो क्रॉस करके वहाँ पे है। कोविड से पहले मैं गई थी एक बार, उसके बाद 2 साल कोविड रहा तो नहीं गई, और बीच में एक बार नहीं जा पाया। सब लोग गए भी थे मगर जा नहीं पाया। आज अचानक प्लान बना, शाम को बैठे बैठे से वो हुआ क्या मंदिर चलते हैं, क्योंकि मंडे को रहती है बहुत ज़्यादा भीड़ भयंकर वाली। तो हम लोगों ने मंडे नहीं रखा था कि सैटरडे को या संडे को चलते हैं। संडे को कीर्तन वगैरह होता है, इसलिए हम लोग सैटरडे को ही निकल गए थे, क्योंकि सैटरडे को भीड़ भी कम थी। भीड़ तो थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर हाँ फिर भी भीड़ थी। और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे औरंगजेब ने आरा चलाया हुआ था, तो उसके निशान भी पड़े हुए हैं इसको, मगर तोड़ नहीं पाए थे मूर्ति को। औरंगजेब ने बहुत मूर्तियाँ तोड़ी थी, सबसे ज़्यादा उसी ने ये किया था। पूरा आरा का निशान आप आएंगे ना तो पूरा आरे का निशान दिखाएंगे। मैंने कोशिश की वीडियो बनाने की कि मैं दिखाऊँ आपको, मगर सब लोग पूजा कर रहे थे, इतना बेल पत्र वगैरह उस पर चढ़ा था कि दिखा नहीं पाए आपको। कभी फिर गए ना एक खाली टाइम तो फिर आपको दिखाएंगे। और ये पूरा उस पर भी है, गूगल वगैरह पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एक बार जरूर जाइए, बहुत ही शक्तिपीठ मंदिर है, बहुत ही अच्छा। अब तो बहुत ज़्यादा बन गया, हम जब गए थे तब तो कम था, अब बहुत ज़्यादा बन गया है। भीड़ कम को होने की वजह से बहुत आराम से बैठ के पूजा की, लग रहा था अच्छा किया मंडे को नहीं आए, क्योंकि मंडे को बता रहे थे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बैरिकेटेड लग जाती है, और अंदर तो आप जल ही नहीं चढ़ा सकते, बड़ी मुश्किल से चढ़ पाता है। तो बैठ के पूजा करने की तो बात ही अलग है। तो हम लोगों ने बैठ के खूब अच्छे से पूजा भी कर ली, आरती भी कर ली। भीड़ थी मगर उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि सैटरडे था, लोग मंडे को ज़्यादा आते हैं, इस वजह से हम लोगों को ये बेनिफिट मिला। खूब अच्छे से भगवान भोले जी के आरती दर्शन पूजन सब कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार जरूर आना, जो लोग भी देख रहे हैं, बहुत लोग जाते होंगे। आज जो गया है मुझे कमेंट करके बताइएगा, सनाथीनाथ कौन गया। ऐसे लोग गाँव में तो हमें सनाथीनाथ बोलते हैं, ऐसे यहाँ पर लिखा है सुनासीरनाथ। यह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, एक बार जरूर आइएगा। चलिए चलते हैं, पूजा अर्चना हमारी हो गई है, बाकी जो अगल बगल में मंदिर हैं उनके दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो अंदर से दर्शन करके आ गए हम लोग, मेरी मम्मी, मेरी नानी, पापा अंदर ही हैं अभी, अंदर हैं कि बाहर पता नहीं। पापा तो वहाँ ही दर्शन करते हैं। Thank you.
ये कब खुलता है? तन पहिए सो के क्यों चक्का लगा? वो चाचा अच्छी बात कह रहे, वो कह रहे थे कि जैसे गुफा है तो जैसे भक्तों का आने का टाइम है तो खोल देना चाहिए, कभी खोलते कभी नहीं खोलते हैं, वो कहते हम कहेंगे तो गुस्सा जाएंगे, आप लोग को गुफा खोलो, देखना कहीं बनी किस लिए, बनी इसलिए कि भक्त आए और देखे बाबा, ये बात है क्योंकि बुजुर्ग हैं तो स्वभाव में थोड़ा सा अलग है, अक्षर बोल रहे हैं और यहाँ की लैंग्वेज भी ऐसी है, हाँ लेकिन बात तो सही बोल रहे हैं। ये देखो ये चींटी से खेल रहे हैं, ये कड़े को रख देते हैं उसमें चींटा आता है फिर निकलता है, इनको इसी मजा आ रही है। यहाँ पे चींटी से खेलते हुए हमारे राधेलाल, बारह और इस टाइम चले गए लोगों की शॉपिंग, मम्मी लोग वहाँ गई हैं शॉपिंग करने में, हम 500 के नोट पकड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे टूडे नहीं मिल रहा, धूप बहुत तेज हो चुकी है और अब शाम उस देर ट्रेन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो यहाँ पे लग गया हम लोगों का खाना क्योंकि 12:30 बज गया था और चाहत को लगी थी बहुत तेज, उसका सर दर्द भी हो रहा था, तो हम लोगों ने पहले सोचा चलो खाना खा लेते, खाना मैं बना के ले गई थी, खाना मम्मी बना के लाई थी अपने यहाँ से, आलू की सब्जी, पूड़ी, अचार और हरी मिर्च। चलिए खाते हैं खाना फिर। गाइस गुड इवनिंग, हम लोग अभी यहीं पे, हम लोग जा रहे हैं जलेबी लेने, आओ ये जलेबी लेके आते हैं, तो जा रहे जलेबी लेने, यहाँ ताजी बनेंगे वहाँ से लेके आएंगे, और अभी हम लोग एक जगह गए थे कहते चाय है, वहाँ चाय का दूध फट गया था, तो हम बड़े परेशान थे चाय मिल जाए चाय मिल जाए, कहीं चाय नहीं मिली, फिर भगवान ही तरीके समझो, एक आदमी आया वो कहते केतली पकड़ के कहते भैया चाय पी लो, फिर 5-5 रुपये की दे गया, वो भी 5-5 रुपये की दे गया, जा रही पीछे जा रही, जाओ बाबू लोगों के भाग उठे रहे, खूब घूमा है तो अभी हमें भूख लग रही फिर से क्योंकि माधुरी की बॉटल पड़ी तो हमें लग रही है भूख, तो हमने मम्मी से रुपये लिए हैं, अभी हमें वो कौन वाली आइसक्रीम जला वो खाऊंगा, तो अब आप लोग समझ गए मैं कौन से लेवल वाली भूख लग रही, तो बस आइसक्रीम खा के आते हैं। नहीं खा लो गाइस, वैसे इस मंदिर की मान्यता ये है कि इस पे बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने हमला किया था औरंगजेब, उन्होंने सुनासीनाथ नाम है, सुनासीनाथ मंदिर पे हमला किया था, इस मंदिर को तहस नहस करने की कोशिश की थी, उन्होंने इसको काटा, इस मूर्ति के बीच हल्के हल्के से छेद बने हुए हैं, उन्होंने भाले वाले मारे, उन्होंने काफ़ी प्रयास लगा दिया पर उसका यहाँ इसका कुछ नहीं कर पाए, तो ये बहुत सुप्रीम मंदिर है और इसी मंदिर से औरंगजेब की बर्बादी शुरू हो चुकी थी, इसके बाद वो आगे हारता चला गया, और हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, मेरी आइसक्रीम जो मैंने ले ली है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, खाने में अच्छी लग रही है आइसक्रीम, गाइस आइसक्रीम खा लीजिए आइसक्रीम। ये राम मंदिर और हम लोग जा रहे हैं इस पथरे से, तो हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से घर के लिए वापस और बारिश शुरू हो गई बहुत तेज, तो एक जगह भैया ने रोका है ऑटो यहाँ पे, श्री शिवाय नमस्कार, श्री शिवाय नमस्कार, सभी लोग रुके हुए हैं, क्या तुम तक गीले नहीं हो गए? ये इधर बारिश हो रही है, इनको देखो क्या ओढ़ के बैठे, ये क्या है, ये कान में मोबाइल लटकाए हैं पन्नी में,
ऐसे लटकाता कौन है? एक फोटो खींचो तो मेल हो जाएगा, फोटो खींचो। फाइनली हम लोग भीग चुके हैं पूरी तरह से, स्टेशन पे बैठने बैठने में इतना भीग गए ट्रेन तक आने में। इतनी भयंकर बारिश है यहाँ पे, भयंकर बारिश। ये देखो कपड़े वपड़े निकाल दिए, कपड़े निकाल दिए, गीला हो गया सर, बहुत गीला, बहुत भयंकर बारिश है। ऊपर सूख रहा पके नीचे, मेरा चुन्नी उन्नी उधर पड़ा हुआ है। हाँ बहुत भयंकर बारिश है, चाक खोलना नहीं, पानी आ रहा है, बंद करो, मत खोलो बेटा, मत खोलो, मत करो, हाँ बंद करो पूरा। चलिए तो दर्शन हो गए आराम से, मगर भीग गए। सिर्फ रोक कह रहा हूँ, बैठते बैठते बैग में मोबाइल है, मोबाइल बचा के रखा है। चलिए तो अब आपसे मिलते हैं घर पे, दर्शन तो अच्छे से हो गए, निकलते समय बारिश हो गई। जैसे हम मंदिर से निकले ना, बाबा ने दर्शन अच्छे कराए, मगर है ना, निकलते निकलते बारिश हुई।